साइन थीटा इक्वल टू माइनस टू सेक थीटा, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज इफ थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देन शो दैट, तो आपको शो क्या कर रहा है, स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस टू सेक थीटा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या देखो आपकी, लेफ्ट हैंड साइड, योर लेफ्ट हैंड साइड इज स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा। देखो रूट ए बाय बी, इसको आप क्या लिख सकते हो, इट कैन बी रिटर्न एज, इसको आप क्या लिख सकते हो, रूट वन माइनस साइन थीटा अपॉन रूट वन प्लस साइन थीटा, प्लस इसको भी क्या लिख सकते हो, रूट वन प्लस साइन थीटा अपॉन रूट वन माइनस साइन थीटा, एग्री करते हो? ठीक है भाई, रूट प्रॉपर्टी क्या होती है, रूट ए बाय बी कैन बी रिटर्न एज रूट ए बाय रूट बी, रूट ए बाय रूट बी। क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहां से आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, रूट वन प्लस साइन थीटा इंटू में रूट वन माइनस साइन थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, रूट वन माइनस साइन थीटा इंटू रूट वन माइनस साइन थीटा, रूट हट जाएगा, रूट ए इंटू रूट ए क्या होता है ए, तो ये हो गया वन माइनस साइन थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, रूट वन प्लस साइन थीटा इंटू रूट वन प्लस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, प्लस रूट हट जाएगा, वन प्लस साइन थीटा हो जाएगा, वन प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, इक्वल टू में क्या आ गया आपका, टू। ओके ये आ गया आपका टू, अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वेयर रूट ऑफ, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसका मतलब क्या हो गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, वी नो दैट रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ ए इंटू बी, तो जैसे सिंगल रूट में आएंगे ये दोनों, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? इक्वल टू में क्या हो जाएगा, टू, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का जब स्क्वायर रूट करोगे तो इसकी वैल्यू दो आएंगी, प्लस माइनस कॉस थीटा, राइट, इसकी दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस कॉस थीटा। अब अगर टू बाय कॉस थीटा होगा तो ये हो जाएगा आपका टू सेक थीटा, और टू बाय माइनस कॉस थीटा होगा तो ये हो जाएगा माइनस सेक, माइनस टू सेक थीटा, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस टू सेक थीटा, बिकॉज ऑफ दिस प्लस माइनस ये हो जाएगा प्लस माइनस टू सेक थीटा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक आपका क्या होता है, नेगेटिव, बात क्लियर है? आप क्या कहोगे, बिकॉज थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, बिकॉज थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट सेक क्या होता है, नेगेटिव, सेक थीटा इज नेगेटिव, देयरफोर जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होगी, माइनस टू सेक थीटा, बिकॉज सेक थीटा तो नेगेटिव होता है, तो ये वाला लोगे, जैसे सेक थीटा नेगेटिव होगा तो ये हो जाएगा माइनस टू सेक थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस टू सेक थीटा, और यही देखो आपकी राइट हैंड साइड, यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड,
क्लियर हो गया? ठीक है, इट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, चलो जी. तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा.